दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 15वीं इंस्टॉलमेंट का आप भी वेट कर रहे हैं, तो 15वीं इंस्टॉलमेंट आने से पहले आप भी अपना स्टेटस चेक कर लें कि आपके स्टेटस में, पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है या आपका ब्लैंक आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, कुछ किसान भाई को यहाँ से ब्लैंक आ रहा है। मैंने दो किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉग इन कर लिया है और एक किसान भाई का यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर आ रहा है, किसी किसान भाई का यहाँ से ब्लैंक आ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे वेटिंग फॉर अप्रूवल कब आता है और जो वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है, खाली जगह आ रही है, तो उन किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कब तक मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में नाउ योर स्टेटस मिल जाएगा, तो सिंपली इस पे ओके करने के बाद में अपना जो स्टेटस होता है उसे लॉगिन कर लेंगे। अब स्टेटस लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से देख लेना है कि आपका जो एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ से एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, दूसरे नंबर पे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा और दूसरे नंबर पे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद में आपको कितना इंस्टॉलमेंट मिला है वो आपको नजर आ जाएगा। जो किसान नए किसान भाई हैं उनका इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगा कि आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिल रहा है या सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल रहा है। दोस्तों, मैंने दो किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया। फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ से मिल जाएगा, सेकंड नंबर पे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से देख लेना है कि इनका जो पीएम किसान सम्मान निधि का इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो इन्हें ब्लैंक आ रहा है। यहाँ से आप पहले नंबर पे हम टिक करते हैं। अब दोस्तों, पहले नंबर पे टिक करने के बाद में क्या होता है, इनका यहाँ से एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी में सब कुछ ओके आता है, लैंड एरिया ओके आता है, EKYC ओके आता है, यहाँ से आधार कार्ड सीटिंग सत्यापन ओके आ जाता है। ओके आने के बाद में फिर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो खाली आ रहा है, डॉट डॉट बन के आ रहा है और एप टू प्रोसेड भी यहाँ पे नो आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा जब स्टेटस हम चेक करते हैं, दूसरे में क्या होता है दोस्तों, दूसरे स्टेटस में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि उनके में वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है और आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है, आपका ब्लैंक आ रहा है। तो ऐसे किसान भाई हैं जिनका वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है तो उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है तो उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। अब ऐसा दोस्तों होता क्यों है, दोस्तों सबसे पहले आपको जान लेना है जिन किसान भाई को पहले से किस्त मिल गई है, एक दो किस्त मिल गई है, तो उन किसान भाई का वेटिंग फॉर अप्रूवल स्टेट आने लगा है, ठीक है। आपको पहले इंस्टॉलमेंट मिल रही है तो आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों आपको देख लेना है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का डेट देख रहे हैं, आपको इन्हें पहले इंस्टॉलमेंट मिल गई है और सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलने जा रही है तो वेटिंग फॉर अप्रूवल आ जाता है। और जो नए किसान भाई हैं जिन्हें पहले इंस्टॉलमेंट मिल रही है, यहाँ से आपको इंस्टॉलमेंट का डेट मिल जाएगा कि आपको एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो आपका पेमेंट स्टेटस खाली आएगा, आपको डॉट डॉट बन के आएगा, ठीक है। आपको डॉट डॉट बन के आ रहा है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक कर लेना कि हमारे जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो फॉर्म है हम इसमें पात्र हैं, आप पात्र हैं। आप यदि पात्र होते हैं तो एलिजिबिलिटी आपका यस आता है, आधार कार्ड सीटिंग यस आएगा, EKYC यस आएगा, तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हो चुके हैं, ठीक है। यदि आप अपात्र होते हैं तो आपको इन एलिजिबिलिटी इफ एनी भी आ जाता है। इन एलिजिबिलिटी इफ एनी आता है वो किसान भाई अपात्र हो जाते हैं और उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का 15वें इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों, जो 15वें इंस्टॉलमेंट डलेगी वो आपको पहले किस्त मिलेगी, जो नए किसान भाई हैं उन्हें पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, ठीक है। आप सोच रहे हैं दोस्तों आपकी पुराना जो हमें इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाए, जो हमारा पुराना रुका हुआ है कि हमने एक साल पहले अपना फॉर्म को अप्लाई किया था और फॉर्म हमारा अप्रूवल हो जाता है तो हमें पुरानी किस्तों का पैसा मिलेगा, दोस्तों ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का जो रूल है, यदि आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया है तो वेरीफाई होने के बाद में आपको पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, ठीक है। और पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने के बाद में आपका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी तो आपको हो सकता है कि आपको दो किस्तें मिल जाएं, चार किस्तें मिल जाएं, या आपको रुका हुआ जितना भी पैसा मिल सकता है। फिलहाल आपको जो पहले इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो आपको एक किस्त का पैसा मिलेगा, ठीक है। और एक किस्त मिलने के बाद में आपके जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो कंटिन्यू फिर चलता रहता है, फिर आपको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा रुकता नहीं है। अब दोस्तों, जो इंस्टॉलमेंट आएगी, जिस किसान भाई का वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है उन किसान भाई की भी आएगी और जिस किसान भाई का खाली आ रहा है उन किसान भाई की आएगी, क्योंकि दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है वो एक बार में डलेगा। आपको दीपावली के पहले ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा, 4 नवंबर या 5 नवंबर के बीच में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंस्टॉलमेंट 15वीं इंस्टॉलमेंट डलने जा रही है वो आपके खाते तक पहुंच पाएगी, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आने से पहले आपका स्टेटस गलत हो जाता है, EKYC गलत हो जाता है या लैंड शीटिंग का सत्यापन नो हो जाता है तो ऐसे किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।